दोस्तों फाइनली आज Realme इंडिया के अंदर अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहा है, बट आज हम बात करेंगे Realme Buds Neo के बारे में। क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन और किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हो सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको परचेज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि Realme Buds Air Neo 3 कलर्स में अवेलेबल होंगे। पहला होगा व्हाइट, दूसरा होगा रेड, तीसरा होगा ग्रीन। और डिजाइन और लुक हमें यहाँ पर पहले जैसे ही देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें Realme Buds Air में देखने के लिए मिलता था। इस बार 13mm के लार्ज बेस बूस्ट ड्राइवर्स दिए हुए हैं इस Realme Buds Air Neo में। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी दोनों ही यहाँ पर हमें जो है काफी अच्छी सुनने को मिलेगी। वही अगर इसे कंपेयर करते हैं पिछले Realme के एयरबड्स से, तो उसमें जो है 12mm के यहाँ पर डायनेमिक्स ड्राइवर्स दिए गए थे। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है पिछले वाले एयरबड्स से हमें यहाँ पर बेटर सुनने को मिलेगी, क्योंकि जितना बड़ा यहाँ पर ड्राइवर्स होगा उतनी ही जो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी दोनों ही यहाँ पर जो है हमें अच्छी सुनने को मिलेगी। वहीं बैटरी बैकअप की बात करें तो ये सिंगल चार्ज में 3 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप दे देगा। वहीं अगर आप इसको केस के साथ में यूज करते हो तो ये आपको जो है 17 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप के मामले में जो है ये पिछले जैसा ही यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्योंकि Realme का जो पिछले वाला एयरबड्स था उसमें भी हमें जो है ये सेम बैटरी बैकअप उसमें भी देखने के लिए मिल जाता था। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 10 मीटर की रेंज दी गई है, और 10 मीटर की रेंज में आप इसे जो है बड़े आराम से यूज कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर सुपर लो लेटेंसी मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर गेमिंग वगैरह अगर आप प्ले करोगे इस मोड में तो यहाँ पर आपको जो है काफी बेटर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो नॉर्मल मोड से, क्योंकि ये 50% तक जो है लेटेंसी को रिड्यूस कर देता है। और साथ ही आपको इसमें जो है जेस्चर कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी बर्ड्स को डबल टैप करते हो तो यहाँ पर आप म्यूजिक्स को प्ले, पॉज और कॉल अटेंड्स यहाँ पर कर सकते हो। वहीं अगर आप यहाँ पर 3 बार टैप करते हो तो यहाँ पर आपका म्यूजिक है वो चेंज हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी भी बर्ड्स को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर जो कॉल्स वगैरह है वो एंड हो जाएगी। वहीं अगर दोनों तरफ के बर्ड्स को यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर जो आप सुपर लो लेटेंसी मोड में इंटर और एग्जिट कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स जो है हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं Realme के Buds Neo Air में। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 299 रुपीज। तो यहाँ पर 3000 रुपए की प्राइस में ये जो है इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी प्राइस को लेकर यहाँ पर थोड़े दिन पहले एक लीक निकल के सामने आई थी। तो हो सकता है कि ये जो है 3000 रुपए की प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो अगर ये 3000 रुपए की प्राइस में इंडिया में लॉन्च होते हैं तो ये जो है काफी बेस्ट ऑफर हो सकता है यहाँ पर Realme की तरफ से इसको परचेज करने के लिए। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए Realme Buds Air Neo जो है ये किस प्राइस पे इंडिया मार्केट में लॉन्च होनी चाहिए Realme की तरफ से, बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।